मैं डिसाइड कर चुका हूं और मुझे इस बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना। चित्रा की आत्मा की शांति के लिए मैं ये कठोर महाशिवरात्रि व्रत रखूंगा। पंडित जी, आप विधि अनुसार पूजा की और व्रत की तैयारी शुरू कर दीजिए। चित्रा की आत्मा की शांति के लिए मैं ये कठोर महाशिवरात्रि व्रत रखूंगा। वदई, अरे वदई, क्या हुआ तुझे? वदई, ले पानी पी। नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगी। वदई, जब तक माधव कुछ नहीं खाएगा पिएगा, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। अगर माधव का व्रत रहेगा तो मैं भी व्रत रखूंगी। व्रत रखने से अच्छा है कि तू उसे समझाए। किसी की बात नहीं सुन रहा है वो, सिर पकड़ कर बैठा है। नहीं काका, मैं उसे कुछ नहीं खाऊंगी। मेरा उस पर कोई हक नहीं है। जब जब मैंने उस पर हक जताया ना, उसे हमेशा चोट पहुंचाई है। मैं उसे कुछ नहीं खाऊंगी। तो ठीक है, तू माधव की बातों को दिल पर लगाकर बैठी रहे। उसकी जान को खतरा होता है तो हो, तुझे क्या फर्क पड़ता है ना? काका, पैसे क्यों कह रहे हैं? तो उसको जाके रोक। मैं अपनी बहू को तो पहले ही खो चुका हूं, तो अपने बेटे को नहीं खोना चाहता। वेदे काका, भाभी, मैं आपकी मदद कर दूं? हाँ हाँ, जरूर। एक से भले दो और जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा। संग्राम, मुझे पता है तुझे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने पूरा इंतजाम करके रखा है। तुझे सिर्फ ये सामान टाइम पे मंदिर पहुंचा देना है। वैसे तो मैं खुद ही कर देता, लेकिन मैं सुबह से ही पूजा की तैयारियों में बिजी हो जाऊंगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। ठीक है भैया, मैं कर दूं। भाभी, आपको पता है बचपन में ना दादी मुझे एक कहानी सुनाया करती थी। हमारे गाँव में एक बड़ा सा पेड़ था पीपल का, जिस पर सारे पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। सारे जीव जंतु उसे अपना घर मानते थे। सब लोग मिलकर साथ में रहते थे, जैसे आप सब लोग रहते हैं, एक साथ एक ही घर में। पर एक दिन अचानक उस पेड़ पर ज्वार चढ़ गया और वो पेड़ धीरे धीरे मुरझाने लगा। सारे पशु पक्षी ने उसे त्याग दिया। जहाँ एक भरा पूरा परिवार था, वहां सिर्फ एक सूखा तना रह गया। उस पेड़ ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उसके जाने का सारे पशु पक्षी पर इतना फर्क पड़ेगा। भाभी, इसकी दादी को बोल दीजिए कि एक पेड़ के चले जाने से संसार रुक नहीं जाता, वक्त के साथ उसकी जगह कोई और ले ही लेता है। क्या हुआ नीला माँ? मैंने आज तक आपको इतनी परेशानी में नहीं देखा। परेशानी की बात ही है श्वेता ना, अगर माधव से पूजा में कोई भी गलती हुई तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन चिंता मुझे इस बात की नहीं है। चिंता मुझे इस बात की है कि वैदई पूरी कोशिश करेगी कि माधव से पूजा में कोई गलती ना हो। और इसका मतलब जानती हो क्या होगा? नहीं। इसका अंजाम ये होगा कि वैदई और माधव फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। वैदई माधव के नजरों में फिर से महान बन जाएगी। इतनी मुश्किल से उन दोनों के बीच में दूरी आई थी, इतनी मुश्किल से दोनों के रिश्ते में दरार आई थी, अब फिर से दोनों करीब हो जाएंगे। समझ में नहीं आता क्या करूं। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं। नहीं, नहीं नहीं, तो
तो आप क्या करें नीलमा? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, पर इस वक्त अगर किसी को माधव के करीब होना चाहिए था तो श्वेता वो तुम्हें। मुझे ही कुछ करना होगा। इस बार गलती करेगी वैद्य ही और सुधारोगी तुम। जैसा सोचा था वैसा ही होगा। अरे रानी बेबी, तुम्हारे पति का फिल्मी करियर एकदम चार चांद छूने वाला है। मैं दुनिया का पहला वो डायरेक्टर होऊंगा जिसने मौत को अपने कैमरे से लाइव कैप्चर किया होगा। क्या सुपर हिट आइडिया है। तुम ना बस फूट फूट कर रोना, सब कुछ एकदम ओरिजिनल लगना चाहिए। पत्नी के मरने के गम में पति ने किया कठोर व्रत और मौत को लगाया गले से, जैसे तुमने लगाया। जय जी। मरने से पहले हुक्म दिया है सुबह सुबह मंदिर पहुंचने का तेरे फिल्म के हीरो ने। अरे मेरे प्यारे भाई, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद पता नहीं माधव भैया जिंदा रहेंगे भी या नहीं, उनकी आखिरी ख्वाहिश ही समझ लो। जरूर किसी बात से परेशान होगी। हाँ बोल वैदेही। दादी कैसी हैं आप? हाँ बेटा यहाँ सब ठीक है, तू बता। माधव की वजह से परेशान है ना? ये माधव ना जिद करके बैठ गया है कि महाशिवरात्रि का वज्र कठोर व्रत करेगा। पंडित जी ने उसे साफ साफ बोला है कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन वो किसी की बात ही नहीं सुन रहा है। तेरा दिल क्या कह रहा है? दादी मुझे नहीं पता मेरा दिल क्या कहता है और ना ही मुझे पता करना है। जब जब मैंने दिल की सुनी है ना, माधव को हमेशा चोट ही पहुंचाई है। अरे पगली, भगवान ने तुझे इतना सच्चा और साफ दिल दिया है ना, उसकी कृपा है तुझ पर। तू अपने दिल की बात सुन, तुझे अपने आप पता चलेगा कि तुझे क्या करना है। ख्याल रखना अपना। चित्रा तुमने हमेशा मेरी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा, लेकिन मैं तुम्हारी अस्थियों का भी ध्यान नहीं रख पाया, तुम्हारा ठीक से अस्थि विसर्जन भी नहीं कर पाया, यहां तक कि तुम्हारी आत्मा को शांति तक नहीं दिला पाया। अब ये व्रत रख के मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। और अगर ये व्रत विधि अनुसार पूरा नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारे पास आके ही तुमसे माफी मांगूंगा। मुझे नहीं लगता कि चित्रा दीदी कभी भी ऐसा चाहेंगी। बधाई सही कह रही है माधव, आपको माफी मांगने की और ये व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ करना माधव, मैं बस तुझे ये धागा देने आई थी, दादी ने मुझे दिया था, ये तेरी रक्षा करेगा।
तेरी श्रद्धा हो तो पहन लेना। क्या बोला उसने? तू मना पाई उसे? काका, आप ऐसे आंसू मत बहाइए, बस अपना मन उदास मत कीजिए। मैं जानती हूं मैं माधव को ये व्रत करने से नहीं रोक पाई, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं कि इस व्रत को पूरा करने में मैं उसका साथ दूंगी, और इस व्रत के दौरान कोई भी अड़चन आएगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। पता नहीं ये सब तू कैसे करेगी अकेले। माधव तो वैसे भी नहीं चाहता कि कोई शामिल हो उसके इस पूजा में। हाँ काका, मैं मानती हूँ माधव मुझे अपने आसपास भी नहीं भटकने देगा, लेकिन मैं भी ना उसकी बावरी बुझू। अगर उसने ये महाशिवरात्रि के महाव्रत को करने की ठान ली है तो मैंने भी मन बना लिया कि मैं उसका ये व्रत सफल करा के रहूंगी। और मन तो मैंने भी बना लिया है, तुझे बार बार टक्कर देकर तेरे सारे प्लान्स फ्लॉप कर दूंगी। अब देखना, माधव का व्रत तेरी वजह से पूरा नहीं होगा। रानी, तुम इन नींबुओं को स्क्वीज करके इस दूध में डाल दोगी? मेरा नाम रानी है। रानी से नौकरानी समझ लिया है क्या? खुद ही निचोड़ लो। तुम्हें ब्यूटी पार्लर खोलना है ना? हाँ। तो तुम ये नींबू निचोड़ दो, अब से मैं रोज तुम्हारे पार्लर में ही आऊंगी। पक्का ना? किसी और पार्लर में तो नहीं जाओगी? अभी कर देती हूँ। फट गया दूध? एकदम फट गया। अब जब माधव को पता चलेगा कि इतनी इम्पोर्टेंट पूजा में ये सारी गड़बड़ वैद्य ही ने की है तो कितना मजा आएगा। वैद्य ही, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। बेलपत्र में छेद और दूध फटा हुआ। सब कुछ अच्छे से चेक हो गया ना? सब लोग कुछ ले लिया? चलो फिर पूरा सामान मंदिर लेकर चलो। अरे रे रे संग्राम भाई सुनो तो। अरे क्या यार, पूजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सामान तो यही भूल गए। क्या हुआ रानी दीदी? देखना वैद्य, दूध और बेलपत्र तो यही रह गया जो पूजा में सबसे ज्यादा जरूरी था। ये मंदिर कौन ले जाएगा? मैं तो चिल्ला चिल्ला कर रोक रही थी पर ये लोग रुके ही नहीं, सुना ही नहीं इन्होंने। इसके बिना तो पूजा अधूरी रह जाएगी। लाओ मुझे दे दो, मैं लेके चली जाती हूँ। ओ नो, वैद्य जल्दी लेकर जाओ। और याद रहे, माधव जब ये सारी चीजें मांगे तो तुम खुद अपने हाथों से दोगी। ध्यान रखना कि कोई और ना ले। आई नो तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से समझती हो, पर किसी और के हाथ में मत दे देना। जी। मेरा तो मन बैठा जा रहा है, भगवान करे सब कुछ ठीक हो। कितना मना किया माधव को लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। माँ मैंने कहा ना, भरोसा रखिए सब ठीक ही होगा। रक्षा धागा तो पहना ही नहीं माधव ने। अब चलते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। माँ चलिए। चलो। Thank you.
शादी का मतलब भी बता तुझे? ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। जब से आई है एक ही रट लगा के रखी है, हद होती है किसी बात की। नहीं, जब मैं माधव की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती तो मेरा दिया हुआ धागा क्या मायने रखेगा। तुम भूल गई वैदेही, तुम्हारी दादी ने क्या कहा था? तू अपने दिल की बात सुन, तुझे अपने आप पता चलेगा कि तुझे क्या करना है। अरे देखो देखो, माधव ठाकुर आ गए। स्वर्गवासी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए इतनी कठोर पूजा कर रहे हो बेटा, याद रहे इस पूजा में किसी भी प्रकार की गलती तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है। पूजा के अगले पड़ाव में तुम्हें शिवलिंग की पूजा करनी है, बेलपत्र और जलाभिषेक से शुरुआत करनी है। इसके बाद शिवलिंग को उठाकर वट वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करनी है और उसके बाद शिवलिंग को पुनः इसी जगह स्थापित करना होगा। जी पंडित जी। पंडित जी, लेकिन इतना भारी शिवलिंग माधव अकेला कैसे उठाएगा? मां, पूजा के नियम अनुसार अगर मुझे ये शिवलिंग उठाना पड़ेगा तो मैं जरूर उठाऊंगा। जल दीजिए माधव बेटा को। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु, हे महादेव, मेरी चित्रा की आत्मा को शांति दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय। जय शिव ओंकारा। माधव के प्राणों की रक्षा कीजिए भोलेनाथ, अपनी कृपा बनाए रखिए उस पर। पाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा। अरे बेटा, को बेल पत्र दीजिए। वैदेही, तुमने बेल पत्र रखवा दिए थे ना? हाँ। तो छेद है। पंडित जी, आप दूसरा बेलपत्र ले लीजिए, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए हमें। इसमें भी छेद है। ये क्या है वैदेही, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? तुझे बेलपत्र परख के लेने चाहिए थे ना? तू जानती है बेलपत्र पूजा के लिए कितने महत्वपूर्ण है, ऐसी गलती कैसे कर सकती है? नीला माँ, कोई बात नहीं, मैं और वैदेही जाकर नए बेलपत्र लेकर आते हैं। तब तक आप लोग पूजा चालू रखें। चलो वैदेही। पूजा में रुकावट के लिए खेद, क्योंकि बेलपत्र में छेद। आइए देखते हैं किस्सा माधव की मौत का। वैदेही, मुझे लगता है हमें इस तरफ जाना चाहिए, यहाँ ढूंढते हैं। आओ। वैदेही, इस तरह तो बेलपत्र हमें मिलने से रहे। हमें काम करते, तुम वहां ढूंढो,
मैं यहाँ जाकर ढूंढती हूँ। हम ना अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब अलग अलग दिशाओं में ढूंढेंगे तो जट से मिल जाएंगे। जी माधव को रियलाइज हो जाएगा कि वैद्य ही उसकी प्रॉब्लम है और मैं सल्यूशन। ओह गॉड, मेरा दुपट्टा कैसे फंस गया? कैसे हो गई? खुल क्यों नहीं रहा ये? पूजा में कहीं देर ना हो जाए। भगवान जी, आपकी लीला अपरंपार है। ओम नमः शिवाय। अब मैं श्वेता को कभी माधव और वैदेही के बीच में गलतफहमी पैदा नहीं करने दूंगी। मुहूर्त निकला जा रहा है पूजा का। अभी 3 अध्याय और बाकी है पूजा की, और हम पहले ही अध्याय में इतना विलंब कर रहे हैं। पंडित जी, सारी गलती मेरी है। मुझे वैद्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए था। अपने हाथों से बेलपत्र परख के रखने चाहिए थे। ये लड़की हमेशा सारा काम बिगाड़ती है। बेलपत्र मिल गए बड़ी माँ। श्वेता कहाँ है? पता नहीं बड़ी माँ, वो भी बेलपत्र ही ढूंढ रही थी। और समय व्यर्थ नहीं कर सकते, माधव बेटा को बेलपत्र दीजिए। श्वेता कहाँ मर गई? वैदेही इस बार फिर से नंबर ले गई। बेल
बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा बिना विघ्न के पूरी हो गई। लेकिन अब कठिन पड़ाव है। इस शिवलिंग को स्थापित करने में 20-30 जनों ने हाथ बटाया था। आज तुम्हें ना सिर्फ ये शिवलिंग उठाना है बल्कि इस वट वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करनी है। ध्यान रहे माधव बेटा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए और शिवलिंग खंडित नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत करिए पंडित जी, सब ठीक ही होगा। माधव के कदम धीरे धीरे शिवलिंग की तरफ नहीं बल्कि मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं अब आगे। मैं जानती थी वैदेही के होते हुए पूजा में कोई अड़चन नहीं आ सकती थी। नीलमा, मैं कैसे बताऊँ आपको कि मेरे साथ क्या क्या हुआ? मुझे ना कुछ नहीं सुनना श्वेता, तुझे यहाँ होना चाहिए था। तेरी जगह पे वैदेही ने सब कुछ कर लिया, हमेशा मेरे प्लान को चौपट कर देती है। अब तेरी बकवास नहीं सुननी है मुझे। माधव का साथ देने के लिए धन्यवाद भोलेनाथ, अपनी कृपा सदा बनाए रखिए। इस अहम और कठिन पड़ाव को तुमने पार कर लिया है, अब अगला पड़ाव है नाग पूजा। इसके लिए एक सर्प की आवश्यकता है। पंडित जी, मैं लेकर आती हूँ। अब यह चुपचाप खड़ी रहेगी या कुछ करेगी भी? नीलमा, पहले तो मुझसे जो भी मिस्टेक हुई, जो गलती हुई, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, पर इस बार कोई गलती नहीं होगी। अब आप देखना, इस बार तो ऐसा जहर फैलाया है कि वैदेही का जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा।
अब तो जहर ही जहर को काटेगा। वैद्य ही आने वाली है, सांप तैयार रखना। काका, श्वेता जीजी की आपसे नाग पूजा के लिए सांप की बात हुई थी ना? नीला माँ, वैद्य ही जो सांप लेने गई है ना अपने दोस्त माधव के लिए, वो हार्मफुल ही नहीं बल्कि बहुत ही पॉइजनस, मतलब जहरीला है, एकदम मेरी तरह। वैद्य ही वो सांप उठाएगी और वो सांप उसे डस लेगा और वैद्य ही चल बसेगी। शाबाश, घबराओ नहीं, इसका जहर निकाल दिया है। जैसे ही पूजा संपन्न हो जाएगी मैं आपको ये वापस ले जाऊंगी।